हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। किया सेल्टोस फेसलिफ्ट 2023 का प्राइस 10.90 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 19.99 लाख रुपीस तक। इस कार के अंदर आपके यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स और काफ़ी सारे इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको इसमें बेस वेरियंट मिलता है HTE, फिर आता है HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस, GT लाइन और X लाइन वेरियंट भी इस कार में ऑफर किए जाते हैं। तीन इंजन ऑप्शन है, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके HTK प्लस वेरिएंट के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। यहाँ पर आपको इस कार के अंदर जो तीन ऑप्शंस मिलते हैं उनके अंदर आपको ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि आपको टर्बो पेट्रोल में IMT मिलेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे मैनुअल मिलेगा, डीजल के अंदर भी आपको IMT मिलेगा। उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन ना इस कार के अंदर प्रोड्यूस करता है 113 PS की पावर और 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। फोर सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है ये, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ इंजन आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। इंसुलेशन वगैरह भी यहाँ पे इस पर प्रोवाइड की जाती है। फिलहाल के लिए इसको करते बंद किया कर लोगों, यहाँ पे आप देख लो कुछ ऐसा मिलेगा। फ्रंट ग्रिल आपको सिल्वर कलर की डिजाइन में पूरी मिल जाती है। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको DRLs मिल जाती है इसमें। प्रोजेक्टर्स में आपके यहाँ हेलोजन सेटअप इस पे दिया गया, ऊपर आपको इंडिकेटर मिलेगा। फॉग लाइट भी आ रही है इस वेरिएंट के अंदर जो कि हेलोजन में रहेंगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं इस कार में और ऐसा कुछ यहाँ पे ओवरऑल लुक है कार का। फ्रंट से ब्लू कलर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। नीचे आपको यहाँ पर इस पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स भी मिल जाती हैं। प्राइसिंग की बात करें 13.50 लाख रुपीज़ इस पर्टिकुलर कार का ना एक शोरूम प्राइस है पेट्रोल के अंदर। डीजल में ये प्राइस बढ़ जाता है 14.99 तक चला जाएगा। टर्बो पेट्रोल का भी वही सेम है, लेकिन टर्बो पेट्रोल के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाएगी जो कि इसमें नहीं आ रही है। टायर प्रोफाइल है 205/65R16। गन मेटल कलर के अंदर आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे दी जा रही हैं। ओवर व्हील्स कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड आप इन्हें कर सकते हैं। डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड आने वाले हैं इस कार में एंड यहाँ पर आप देख लो ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स हैं। ऊपर आपके यहाँ रूफ रेल्स मिल जाएंगी, सनरूफ नहीं आएगी, शार्क फिन एंटीना है। पीछे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की नई इसकी टेल लैंप्स देखने को मिल जाती है। सेल्टोस की बैजिंग यहाँ पर इसके नीचे है। किया का लोगो, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आ रहा है इसमें। ब्रेक लाइट आपको यहाँ पर इस पर दी जा रही है। ऊपर शार्क फिन एंटीना और कोई भी आपको यहाँ पे अलग से बैजिंग नहीं मिलती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आएगा इस कार में और ओवरऑल बैक प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कार का मिल जाता है। नीचे चार पार्किंग सेंसर्स हैं और साथ ही आपको रिफ्लेक्टर और रिवर्स पार्किंग लाइट भी मिल जाती है। यहाँ पर भी ग्रे इंसर्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ओवरऑल बैक साइड लुक कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे कार की कंप्लीट देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अब चलते एक बार कार के अंदर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल सेंसर कीलेस एंट्री के लिए। डोर ट्रिम कुछ इस तरह का है यहाँ पर इस कार के अंदर, ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। ओवर वी एम्स को एडजस्ट फोल्ड आप दोनों यहाँ पे कर पाएंगे और यहाँ पर फिर आपको सिल्वर डोर हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक के दिए जा रहे हैं। डोर ओपनिंग अच्छी खासी आपको यहाँ मिल जाएगी। अंदर आती है आपको यहाँ पर इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिलती है इसकी सीट्स के अंदर, जिसकी आप यहाँ पे हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे ओवरऑल लेआउट मिलने वाला है इस कार के कंप्लीट इंटीरियर्स का। बाकी अब मैं आ चुका हूँ कार के अंदर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता चाहूंगा इन्वॉल्व वन के मस्त का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम ने बहुत ही ज़्यादा मस्त सी फ्रेग्रेंस आपको ऑफर करता है जो कि एक इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट आपके कार के अंदर प्रोवाइड करेगी। ऊपर आपको फ्रेग्रेंस कंट्रोल लेट भी मिल जाता है और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो कि 50-60 डेज तक लास्ट भी कर जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। एक बार लोग नेक्स्ट टाइम भी इसी परफ्यूम को आप बाय करने वाले हो, नाम याद रख लो इन्वॉल्व वन मस्क। इसको अभी के लिए फिलहाल मैं रख देता हूँ यहाँ पर इस बॉटल होल्डर के अंदर और यहाँ से उठा देता हूँ कार की कीज। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ इस तरह की कीज आएगी जो कि आएगी लॉक अनलॉक रिमोटली अंदर स्टार्ट और टेलगेट ओपन करने के ऑप्शन के साथ। ऐसा कुछ यहाँ पे कंप्लीट इसका डैशबोर्ड लेआउट है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, दो बार प्रेस करना पर हो जाएगा आपकी कार का इग्निशन ऑन। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा फुली डिजिटल जो कि आपको मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। किया कैरेंस के अंदर भी आपने यही सेम पहले भी देखा होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे इसका लेआउट है, स्टीयरिंग व्हील आप देख लो ऐसा कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्रूज कंट्रोल और साथ ही MID स्क्रीन के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर आपको मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स दिए गए, ऑटो हेडलैम्प्स है इधर और इधर आपको वाइपर के लिए टॉगल मिल जाता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप यहाँ पे टिल्ट वे में ही एडजस्ट कर पाएंगे। एक AC वेंट यहाँ मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे ऑटो इंजन ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ और साथ हेडलाइट लेवलर के स्विचेस वगैरह इसमें दिए जा रहे हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये वाइट पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली ग्लॉसी ब्लैक में है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े, तो एक बार इसे कवर करके कंपनी देती है पीछे से। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख लो ऐसा कुछ ये ग्लॉसी ब्लैक में आपको मिलने वाला है।
सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें 8 इंचज की स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर की आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाता है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। और आपको यहाँ AM/FM ब्लूटूथ USB जैसे बेसिक फीचर्स तो मिलती हैं, DRVM भी इसके अंदर एड ऑन हो चुका है। इवर पार्ट भी आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू कुछ ऐसा कम्प्लीट आपको मिल जाता है जो कि आता है मूविंग गाइडलाइंस के साथ। और ओवरऑल इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, साउंड वाउंड लैम्प भी आपको यहाँ पर इस वेरियंट के अंदर मिल जाती है और इनफैक्ट इसी वेरियंट से मिलनी शुरू होती है। 2 AC vents हैं, 1000 लेट का स्विच है, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा इसके अंदर, मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर नीचे आप देख सकते हो, रेस ब्रेक क्लच तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। IMT आपको डीजल के अंदर मिलता है और टर्बो पेट्रोल के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाएगा, स्टोरेज स्पेस है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB का बोर्ड, टाइप सी फास्ट चार्जिंग के लिए आपको सॉकेट मिल जाएगा, स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, ग्लव बॉक्स कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस के साथ आता है इस कार में, 2 बॉटल होल्डर्स है, एक के अंदर आप रख सकते हो इन्वॉल्व वन का मस्क का परफ्यूम, हैंड ब्रेक दी गई है, साथ ही आपको पीछे आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर की स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाती है। सीट्स कुछ इस तरह की आएंगी यहाँ पर इस HD K+ वेरियंट के अंदर, आप देख लो ब्लैक कलर के अंदर ना फैब्रिक सीट्स आ रही है इस नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट के अंदर। बाकी टर्बो पेट्रोल अगर आप लेते हैं ना तो उसके अंदर आपको कुछ कुछ डिफरेंट इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं। टर्बो पेट्रोल की HD K+ के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है यहाँ पर, इसमें सनग्लास होल्डर और 2 लाइट्स दी गई हैं जो कि हैं हेलोजन के अंदर। इधर ना आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है और इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है टिकट होल्डर। ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट भी इस कार का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेफ्टी के अंदर यहाँ पे 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं, फ्रंट 2 साइड कर्टन एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ सीट्स के साइड्स पे भी एयरबैग्स हैं। और आपको यहाँ ABS रिवर्स ब्रेक असिस्ट, टाइसोफिक सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इस कार में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ना कूल ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलने वाला है इस वेरिएंट के अंदर। और जल्दी से अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी बैक सीट में, दिखाता हूँ कि बैक सीट में क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी रिमोटली स्टार्ट करने का फीचर भी ना यहाँ पर इसी वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। बैक सीट में चलते हैं एक बारी कार के। भाई सबसे पहले तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको डोर पैड देखने को मिलने वाला है इस कार का, जो कि आपको पूरा ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसमें पावर विंडो का स्विच, यहाँ पर इसमें विंडो कर्टन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है इंडियन वेदर के हिसाब से। यहाँ पर आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे, स्पीकर बॉटल होल्डर दिया गया, डोर ओपनिंग आपको अच्छी खासी इस कार में मिल जाती है। कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर ना आती आपको यहाँ पर इसमें फिक्स टाइप के हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि हैं 2। आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट इसमें ऑफर की जा रही है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है इस वेरियंट के अंदर, क्रेटा के बेस वेरियंट से आपको आर्मरेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, इसमें ये चीज़ें थोड़ी मिसिंग है। यहाँ पर ना AC वेंट्स आ रहे हैं, नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे, मैप पॉकेट्स भी यहाँ पर नहीं आ रही हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर कंप्लीट इसका डैशबोर्ड लेआउट आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और एक बार चलते हैं कार के अंदर और स्पेस वगैरह की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरे नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मेरे को इस कार में मिल पा रहा है, किसी भी तरह की स्पेस में कमी नहीं है। यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन में, एंड लेआउट आपने देख ही लिया है। और 3 एडल्ट्स यहाँ पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, कोई खास दिक्कत इसकी वजह से आपको नहीं आने वाली है। बाकी मैं फिर से आ चुका हूँ कार के बाहर एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बूट स्पेस। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए, ऐसे कुछ आप इसे ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस आपको यहाँ पर इसमें मिलती है 433 लीटर्स की। पार्सल ट्रे को आप यहाँ पर ऐसे कुछ लगा सकते हैं। और स्पेयर व्हील देख लो, 205/65R16 टाइप प्रोफाइल के साथ है जो कि है बिल्कुल ही सेम। इतना कुछ यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया मिलेगा, लाइट आपको यहाँ पर इसमें प्रोवाइड की जा रही है, रियर सीट पूरी 100% फोल्ड हो जाती है इस कार की। और ना अब बंद कर देते हैं इसके टेलगेट को एंड बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार किया सेल्टॉस HD K+ पेट्रोल एनुअल वेरिएंट का ना एक शोरूम प्राइस है 13.5 लाख रुपीज। और ये कार आपको ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है 16 लाख रुपीज़ की, क्योंकि अब रोड टैक्स चंडीगढ़ में भी बढ़ चुका है। बाकी कार कैसी लगी आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा इन्वॉल्व वन के मस्क का परफ्यूम का। बाकी तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए। और इस कार के सभी वेरियंट का प्रॉपर डिटेल्ड फॉक्राउंड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you.